खुल गया पूरा, पूरा पट गया, पट गया। और इसके ऊपर आती है ना। हाँ सर, ये वाली वॉल्वो है ना, ये आपके भाई को बहुत पसंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे। तो काफी दिनों बाद छत से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज शूट भी गोप्रो से कर रहे हैं। रीजन बीइंग, कल क्या एक्चुअली हमारा ना ये पार्सल आया था, अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या है, और उसके बाद वो आपको नीचे दिख रही है ना, फिर उसको लेके निकलेंगे। ठीक है, चाकू और मेरे को कुछ मिला नहीं तो इसी से ही काटेंगे छाटेंगे इसको। पैकिंग काफी सॉलिड है जी। ये रहा हमारा बॉक्स। सब इधर आप सामान देखें क्या हमने मंगवाया है। चार पांच चीज़ें आपको दिख रही हैं, पैकिंग काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। देख रहे हो आप कितना टाइम लग गया मुझे खोलने में। एंड हियर वी गो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो है भाई गोप्रो के लिए ये एक माउंट सा है जो हम बाइक पे लगा सकते हैं। बाइक अभी आई नहीं है बट माउंट हमने पहले ही मंगा लिया है। ये एक सक्शन माउंट है, ये कार के लिए है कि अगर माइक को गोप्रो के साथ यूज करना हो ना तो ये चीज़ की जरूरत रहती है। बाद ये हेलमेट पे लगाने के लिए एक स्ट्रैप आ गया। जैसा कि आपको पता है कि मेरा गोप्रो का जो एडाप्टर है, मेरे पास बाइक थी नहीं तो आशु भी उस टाइम मोटर व्लॉगिंग करना चाह रहे थे, मैंने उनको दे दिया था, तो ये भी हमने मंगवा लिया है। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई साहब, एक बैकअप कैमरा हमने मंगवा लिया है। SJ कैम डोल स्क्रीन है। GoPro से पहले मेरे पास SJ कैम ही हुआ करता था बट वो 6 था, SJ कैम 6 लेजेंड। तो अभी ना मैं आपको इसका रिव्यू करके भी दिखाऊंगा बिकॉज ये एक बजट एक्शन कैमरा है। और ये जो सारी एसेसरीज मैंने मंगवाई हैं, ये मैंने मंगवाई हैं कैमट्रॉनिक से। उनका ना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाना चाहेंगे तो वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैमरा वगैरह से रिलेटेड कोई भी एसेसरी होती है ना, तो जैसे मैंने पीछे बैटरीज और अडाप्टर मंगवाया था वो भी मैंने उन्हीं से बाय करा था, और आपको प्राइस काफी रीजनेबल मिल जाएगा। चलिए अभी निकलते हैं और इसकी टेस्टिंग करके आपको बताते हैं। इस वीकेंड ना हमें ट्रिप जो कुछ करना है तो उसके लिए प्लानिंग व्लानिंग करने जाना है, और अभी क्या है सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है तो ब्रेकफास्ट भी करना है। अभी इधर पता नहीं क्या हो गया है कि एक साइड से जगह खाली दिखनी चाहिए, मेटाडोर वाले ने मेटाडोर कहाँ लगा दी हुई है। तेरा ऑटो ज्यादा हसल कर रहा है, ये नहीं चढ़ पा रहा है। मैं जा तो मेरी टाइमिंग गलत हो गई है, स्कूल कॉलेज का कुछ मसला है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यार, कब से निकला हूँ। गाना बड़ा सही लगा, सच है। यक्षित भाई क्या हाल चाल है? बस ठीक भाई, जैसा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अच्छा, और इससे भी अच्छा करो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। ठीक है क्या, वैसे मैं भी थोड़ा सा रॉन्ग साइड से आ गया हूँ, लेकिन सब लोग यहीं से जा रहे हैं, उस साइड से रास्ता पूरा बंद है और आगे मुझे लगता है जाम मुझे 101% मिलेगा। पता नहीं क्या चक्कर है, शायद कोई प्रोटेस्ट है। हाँ, किस चीज़ का प्रोटेस्ट है, लेडीज भी हैं यार। अब क्या है, एक तो रॉन्ग साइड है, इसमें भी ये लोग ना दो दो लाइनें बना देते हैं। जैसे ये देखो, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन ब्रो। अब उधर आगे जाके अगले भी जाम में फंसेंगे, ये भी जाम में फंसेंगे। मैं क्यों इतना शोर शराबा कर रहा हूँ, मैं अपने काम से जाता हूँ ना यार। खाना क्या है, रोड रेज हो रही है, रोड रेज। इसको गाड़ी को कहाँ लगाए, तो जी अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, और अभी साहब की स्कोडा का मसला हल नहीं हो रहा है, कह रहे अभी उधर जाना है। क्या चक्कर है, बेच दो यार स्कोडा, छोड़ो गुस्सा, बेचनी है। मसला पता नहीं क्या है, जिधर जाओ उधर ही रश ही रश दिख रहा है, लोग ही लोग दिख रहे हैं। तो अभी हम इधर जा रहे हैं, जब भी आप गाड़ी अनलॉक करके देख ली, इनको कंप्लेंट करके देख ली, रोज गाड़ी बुलाते हैं, तीन मतलब पूरा दिन रखते हैं शाम को, और ऐसा भी नहीं है काम होता है, ऐसी खड़ी रहती है, अभी देखा ना आप लोगों ने, खड़ी रहती है। उसके बाद भी मैंने कंप्लेन भी की है इसकी, कोई रिस्पांस नहीं। मैं तो यही बोलूंगा भाई, लोग जितने भी स्कोडा लेते हो मत लो, कि ये एक दो साल सही चलती है फिर उसके बाद इसको प्रॉब्लम ही होती है, और उतनी भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, खाली स्टीयरिंग में टकटक की आवाज़ है, वही डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर कल को कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो फिर तो सौ रुपये। तो भाई साहब ये हमने पिचकू ले लिया, हमने 100 रुपए के दो, ये सही है यार, देखो ना ये फंस भी जाएगा ऐसे बीच में। वाओ, ओह माय गॉड, रूला तो भाई साहब अभी क्या है कुछ, वो इसको तो ले जाएं, चलो। तो जी ये हमने लिया है क्लियर कैच, पता नहीं क्या है ये तो वो पीते हैं। बंदा कह रहा आइस क्यूब भी दे दूं, मैंने कहा नहीं भाई, कुछ कुछ गलत मत समझना यार, अभी खोल के पियेंगे आपके सामने। तो ये हमने पिज्जा मंगवाया, लेकिन ये देखो 700 कितने का है, इतने में डोमिनोज के दो पिज्जे आते हैं। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कैसा है। ये आ गया पिज्जा हमारा, चिकन नहीं है यार, वेज ही है, ये पनीर है सारा, डालो फिर इसके ऊपर, चलो खा के मिलते हैं यार, बड़ी हसल हो रही है। तो जी ऐसा हुआ,
इधर मैंने ना खारे का गिलास रखा हुआ था, पहले भी एक बार किया है लस्सी के साथ। भाई इनकी गाड़ी में ना जगह ही नहीं है, गाड़ी ऐसे मेरी गाड़ी में। फिर उसके बाद क्या है, वो यहाँ गिर गया, पिज्जा के ऊपर भी पूरा गिर गया, लेकिन फिर पिज्जा भूख लगी थी तो खा लिया हमने खारे वाला ही। मेरे कपड़े वपड़े भी गंदे हो गए, तो ये भी चलो अब क्या करना है। इन्होंने अभी हमें कहा कि कोई ना लड़ाई हो गई है। ये कैसा मजाक, ये कैसा मजाक होता है, क्या हो गया? हमारी गाड़ी ठुक जाती जितनी हम तेज आए। नहीं भाई ऐसे थोड़ा करना पड़ता मजाक एंटरटेनमेंट के लिए। क्या है कि आए हैं, गाड़ी वॉश ही करवा लेते हैं। गाड़ी तो हमारी चमक के हो गई है, रेडी का दिलवा के तो अच्छी लगती है। खैर अभी यहाँ नरवाल आ गया, तो बेसिकली क्या है कि जैसे इस पे पीछे आप क्या है, टोइंग हुक तो है नहीं है, तो इस पे जरूरी है, इसलिए यहाँ पे जैसे शोएब भाई की गाड़ियाँ बना हुआ है ना, वैसे वाला बनाने का सोच रहे हैं, तो उसका भी साइज सूज देंगे। और एक और चीज़ है, जैसे जब भी गाड़ी वॉश करवाओ ना, इसकी बेचारी बेस ट्यूब की बड़ी दिक्कत है, कभी इसको सीट के ऊपर फेंक देते हैं, कभी नीचे फेंक देते हैं, आज बेचारी कैसे पड़ी हुई है। और हमारा फुटस्टेप भी इधर ही पड़ा है, दिख रहा है आपको। यार इसको फिट करना है यार शोएब भाई, फूल के होगा। अच्छा हेलो, सीधा हो गया जी, देखो खुल गया पूरा। ओहो पूरा फट गया, फट गया पूरा, फट गया। ये देखो ना, ये कुछ है यार इसके नीचे, गाड़ी इसके ऊपर आती है ना। हाँ प्लेट ऊपर भी हो जाती है। ये बन गया उसका फ्रेम सा। कि अभी क्या है, गाड़ी का काम करके भी आ चुके हैं, वॉश वॉश भी करवा लिया, और ये जो हमने कैमरा लाया था अपना, ये आपको दिख रहा है। तो भाई ने गिव अवे कर दिया मेरे को। चलो जी करो अनबॉक्स। गिव अवे किया कि नहीं किया? हाँ आप ही कह, आप ही कह, रखो इसको। यार आईफोन वालों की पैकिंग बड़ी सही होती है, जो भी हो ना। ये आ गया हमारा एक्शन कैमरा, इसमें यहाँ कहीं होगा, सीधा खुलेगा। ये क्या करना, क्या है खोल। ये ना सील इसकी। ओह वाओ लुक्स लाइक गोप्रो। ये आ गया हमारा कैमरा, और देखो एक्सेसरीज में क्या है। नहीं इसमें कुछ नहीं होगा। ये आपको इसके साथ एक ये मिलेगी वायर, माउंट मिल जाएगा, ठीक है। दो माउंट है इसमें, ठीक है, जैसे GoPro में क्या है एक ही माउंट आता है, इसमें दो आते हैं। SD कैम के स्टिकर मिल जाएंगे आपको, एक माइक्रो फाइबर है, ये इसका टच स्क्रीन है, ये टेप्स आ गई। इसकी पैकिंग ना लगभग जैसी 6 लेजेंड की थी, पैकिंग वैसी ही है। ओके कैमरा आप देख रहे हो, क्वालिटी अच्छी है और साइज में छोटा है। ऑन करते हैं, शायद मुझे लग रहा है बैटरी डेड है। ओके बैटरी तो इसमें है, तो अभी क्या है कि इसे चार्ज कर लेंगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अच्छा है देखने में, छोटा कैमरा है, तो बजट एक्शन कैमरा की बात करते हो जब आप लोग, अभी क्वालिटी जो है इसकी वो मैं टेस्ट करके बताऊंगा, और आपको हमारी वीडियोस में जो है एक नया एंगल ऐड हो जाएगा, और इसे एज ए डैश कैम भी यूज कर सकते हैं। हमने इसको चार्ज पे लगा दिया है, ये आपको देखिए लाइट आ गई है इसमें। कैमरा वैमरा चार्ज कर रहे थे, फिर ये कहने लगे कि हमें बाहर जाना है, आप बाहर आ गए, अभी कह रहे हैं लाइव करना है। लाइव नहीं करने देते। साइज देखो, सिर्फ डोले का साइज देखो यार आप। फिर ये कहते हैं कि ये तरुण भाई मेरे से बदतर है, जस्टिफाई होता है कोई कोई मीम आती है ना, सेंस है कोई बात की, इस बात की कोई सेंस हमें बड़ी लग रही थी। फोन इनका रखा नहीं जा रहा है, भाई सारे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करो। तो जी फिलहाल क्या है कि बस कैफे पहुंचे थे और बंदे अपने आ चुके हैं। जादव क्या चला, ठीक हो? शाजु भाई लॉन्ग टाइम, किधर होते हो, किधर होते हो? और सुनाओ? बस ठीक है, सुनाओ। क्या लिख रहे हो? शर्मा रहे हो यार, शोएब भाई नूब बोल भी क्या। क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? ठीक हो। क्या हाल चाल है? मैं और फैजु भाई आ गए हैं क्रेटा में। हाँ जी ठीक हो? तो भाई साहब इधर हम ईशान भाई की गाड़ी में भी लगा रहे हैं डोर हैंडल्स, क्रोम वाले नहीं, क्रोम वाले सारे ग्लॉस वाले। नहीं लगाओ लगाओ, इसलिए क्या है शायद पे पॉलिश हुई भी है। हो गया होगा, कम हो गया। इतना ज्यादा पानी क्यों लगाओ, टीवी खराब है। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, लगभग 8 बज रहे हैं, और आज की वीडियो में कुछ भी वैसा शूट नहीं हो पाया। एक्चुअली यार हर दिन ना थोड़ा सा वो हो जाता है, और जबरदस्ती वीडियो बनाने होगी, सेंस भी नहीं होता। फिलहाल तो चलते हैं घर। तो भाई सब अभी पहुंचा हूँ रूम पे, तो टिफिन लेने जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ काफी ज्यादा। तो जी टाइम लगभग 9:30 हो रहे हैं, तो टिफिन लेके तो मैं आ गया हूँ, खाऊंगा बाद में, पहले करवा कर आएंगे थोड़ी सी हजामत। वीडियो देखी ना, तो सौरभ जोशी ने भी पूरे व्लॉग में यही दिखाया कि मैं आज कटिंग करवाने जा रहा हूँ, बाल लंबे हो गए हैं। तो अपन का भी यार, अपन भी डेली व्लॉगिंग ही करते, अब रोज गाड़ी भी कहाँ से लानी, गाड़ी भी कहाँ से तोड़नी, वैसे कुछ ऐसा तो नहीं है। बट मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो डालना मेरे लिए जरूरी है। सर ये वाली वॉल्वो है ना, ये आपके भाई को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मी लाइक इट। और टेम्परेरी नंबर ही लगा हुआ है इसको। मैं इस गाड़ी का रिव्यू करना चाहूंगा, किसी के पास कोई लीड है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है? तो भाई साहब फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कटिंग करवाने। ऋषि भैया क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। ऋषि भैया को भी हमने रात को जगा दिया है, आज मेरे को सलमान खान बना दो, ठीक है? ठीक है।